तो जय हिंद साथियों, आप सभी को पीबीआर स्टडी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो साथियों, आपको ऊपर में दिखाई दे रहा होगा कि नाउन को 5 सेकंड में कैसे पढ़ें, क्योंकि हम लोग नाउन चैप्टर क्योंकि सेंटेंस को समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, सेंटेंस को हम लोगों ने पढ़ चुका है, तो अब हम लोग नाउन में चलेंगे। और नाउन में जाने से पहले साथियों, मैं आपको नाउन से थोड़ा बहुत रूबरू करवाना चाह रहा हूँ, समझ पाओ कि एक्चुअल में नाउन होता है कौन, देख करके पहचान लोगे। न्यूज़पेपर खोल लेना, आज के बाद नाउन पहचानना सीख जाओगे, पहले कंसेप्ट समझो। मैं लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है, लिखा हुआ आपको मिल जाएंगे बोर्ड पे, मतलब स्लाइड लगवा दूंगा, समझना। दुनिया में समझना, कोई भी ऐसा चीज हो तो आप पूछ सकते हो, क्या बोला मैंने, जिसे टच कर सकते हो, वो सारा के सारा नाउन है। क्या बोला मैंने, फटाफट कमेंट करो। नाउन का आपको डिफिनेशन पता है क्या क्या निकलता है, द नेम ऑफ पर्सन प्लेस इसका नाम, नहीं चाहते हो समझो, गलत के लिए समझो। तो फिर मैं लिख दिया यहाँ पे एटीट्यूड, ये तो नाउन ही है। समझने के प्रयास करो किस कैटेगरी में, हम लोग पहले दो मेथड से समझेंगे नाउन को, दो मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे और दो मेथड से फिर आपको नाउन क्यों खत्म हो जाएगा, नाउन का जो डाउट है खत्म हो जाएगा। सबका कमेंट देख रहा हूँ, ठीक है, साथ याद रखना। मैंने पहले बोला दुनिया में ऐसा कोई भी चीज हो वो छू सकते हो उसके नाम को, जिसको छू सकते हो उसके नाम को नाउन कहते हैं। अब देखो एग्जांपल, देखो मेरे हाथ में क्या है, देख पा रहे हो साथियों, मार्कर है, मैं इसे छू पा रहा हूँ, क्या मैं इसे छू पा रहा हूँ, ये नाउन है, समझना। मेरे हाथ में क्या है, मिटाने वाला है, मैं इसे छू पा रहा हूँ, ये भी नाउन है। ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको समझो, छू पा रहा हूँ मैं साथियों, ये भी नाउन है। मेरे गर्दन में क्या है, डोरा है रेड कलर की, मैं इसे क्या कर रहा हूँ, छू पा रहा हूँ, घींच पा रहा हूँ, यानी कि छू ले रहा हूँ, तो ये भी नाउन है। राम को जो आपके दोस्त होंगे ना, उसको भी छू लेते होंगे, वो भी नाउन है। यहाँ पे देखो ये इंक के बॉटल है, मैं इसे क्या कर पा रहा हूँ, छू पा रहा हूँ, पकड़ पा रहा हूँ, ये भी क्या है साथियों, नाउन है। बातों को समझना, अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक करोगे साथियों, लॉजिक को थोड़ा सा मिस करने कुछ करोगे ना, ब्लंडर हो जाएंगे, फिर समझ नहीं पाओगे। मैं कुछ चीजें ऐसे चीजें होते समझना पड़ेगा आपको। मैंने दो मेथड बताया, दोनों मेथड से आपको नाउन क्लियर हो जाएंगे वीडियो में, ठीक है। मैंने क्या बताया पहले, छू सकते हो सारे के सारे नाउन है। अब हमारे कुछ ज्ञानी बच्चे के लिए एग्जाम्पल लिख देता हूँ, ज्ञानी बच्चे के लिए एग्जाम्पल। मैंने कहा जैसे छू सकते हो पेन को, छू सकते हो, बच्चे ने कहा ठीक है सर मैं छू सकता हूँ, जैसे आप बुक को छू सकते हो, ठीक है, जैसे मैं क्या कर सकता हूँ, बोर्ड को छू सकता हूँ, देखो बोर्ड को मैं टच कर ले रहा हूँ, ये भी नाउन है। जिससे भी तुम टच कर सको दुनिया में, व्हाटएवर एल्स यू कैन टच, ऑल आर नाउन, जिसे मैं छू सकते हो नाउन है। अब इसके अलावा कोई होगा, सर 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 मुझे बताना सर, इलनेस, ये भी तो सर नाउन है, से तो मैं छू नहीं सकता, तो उसके लिए है साथियों, बने रहो मेरे साथ, उसके लिए मैं तो सारे प्रोग्राम करके लाया हूँ आपको सिखाने के लिए ना। अब देखो कुछ बच्चे यहाँ पर बहुत सारे ज्ञानी बैठे होंगे, कहेंगे सर ठीक है आप कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ, तो सर आप मुझे बताना ऑनेस्टी, ऐसे छूते नहीं है सर, फिर ये नाउन कैसे है, बताना सर जी आप बताना मुझे, ड्राइवरी, फिर ये नाउन कैसे है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसमें कुछ होंगे, कहेंगे स्काई, ये नाउन कैसे है सर, मैं तो इसे छू भी नहीं सकता, स्काई को तो छू ही नहीं सकते हम, फिर सर ये नाउन कैसे है, आप तो अभी बोले ये सिर्फ छू सकते हैं, वही नाउन है, मैंने बोला ना ऑनेस्टी, छू सकते हो नहीं छू सकते हो, ये सारे फिर साथियों सर नाउन कैसे है आपके मन में आना चाहिए ये। अब कहोगे सर, बहुत सारे बच्चे होंगे कहेंगे सर एडवाइस को भी जोड़ लेंगे, लो बहुत सारे बच्चे होंगे नॉलेज को भी जोड़ लेंगे, मेरे को दिमाग नॉलेज को नहीं छू सकते, एडवाइस को नहीं छू सकते, मैनेजमेंट को भी नहीं छू सकते, लिखो मैनेजमेंट को भी नहीं छू सकते, सर ये नाउन कैसे है, समझना पड़ेगा। देखो ये एक चीज इसका याद कर लेना, स्काई कुछ ऐसे चीजें होते हैं, देखो साथियों ये लॉजिक है, ठीक है, तो लॉजिक
हर जगह अप्लाइड नहीं होते, कुछ ऐसे चीजें होते हैं कुछ याद करने होंगे, लेकिन मैं इतना जरूर बता दूंगा 99% तक आपको काम करवा दूंगा जिससे आप नाउन एवं पहचान लोगे। यहाँ पे एक बच जाता है स्काई, स्काई को याद कर लेना क्या स्काई भी वो एक नाउन में ही आता है। बाकी सारे के मेरे सारे चीज़ों के जो रूल होते हैं ना वो सारे मैं आपको स्लाइड पे लगवा दे रहा हूँ, और टेक्निकली थोड़ा लगा दीजिए उन लोगों के लिए स्लाइड, जल्दी कर दीजिए मैं थोड़ा हट जाऊँ, उनके लिए लगा दीजिए स्लाइड फटाफट। देखिए यहाँ पर आ गया फर्स्ट मेथड लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू रिकॉग्नाइज नाउन विद इन 5 सेकेंड। देखिए आपके स्क्रीन पर लगा हुआ होगा और वहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट मेथड में इन दिस वर्ल्ड व्हाट एवर यू कैन टच इज नाउन, जो कुछ भी आप छूते हो वो सब नाउन होते हैं। ठीक है, टेक्निकल टीम से कहूँगा इसे स्लाइड को थोड़ा ऊपर करने के लिए, देखते हैं। देखो यहाँ पे आ गया, लिखा है सेकंड मेथड एंडिंग ऑफ वर्ड, सेकंड मेथड ये कह रहा है कि वर्ड के एंडिंग के अनुसार हम समझेंगे जिसके अंत में क्या लगा होना चाहिए, मेंट, के अंत में क्या लगा होना चाहिए साथियों, मेंट, ये सबको हम क्या समझेंगे साथियों, इन सबको हम लोग नाउन ही समझेंगे। देखो देखो पहले लिखा हुआ मेंट, सबकी एग्जाम्पल देते चलूंगा मैं, ठीक है, समझते चलना मेंट वाला। देखो पहले साथी साथियों मेंट वाला, देखो जिसके अंत में मेंट लगा होगा उसको कैसे नाउन मानो, समझते चलना कुछ देर देते चलो फिर समझ जाओगे। जैसे मैंने लिखा मैनेजमेंट, एम ए एन ए जी मैनेज एम ई एन टी, देखो मेंट, ठीक है। जैसे मैंने एक और वर्ड लिखा एग्रीमेंट, जैसे क्या लिखा मैंने एग्रीमेंट ए जी आर डबल ई एम एन टी, पहला आपका हो गया ना मेंट वाला, जल्दी जल्दी फटाफट नोट कर लो मेंट वाला, सबको क्लियर हो गया ना, आप लिख लेना एग्रीमेंट मैनेजमेंट शिफ्टमेंट लॉजीमेंट, ठीक है, टूर्नामेंट, फटाफट टूर्नामेंट, बहुत सारे वर्ड होते हैं सब नोट डाउन करते चलना, ठीक है, टूर्नामेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट एग्रीमेंट और कुछ होता है मेंट वाला जो भी वर्ड लिख लेना, वो सारे नाम के ही में पार्ट में आते हैं। चलो इसके बाद सेकंड आपको कह रहा है सिप, सेकंड कह रहा है जिसके अंत में क्या होना चाहिए सिप होगा, वो भी सर नाम नहीं आता है, सिप में भी दो तीन एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे फ्रेंडशिप क्या होता है साथियों, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप, ठीक है, फ्रेंडशिप का बताओ क्या लिख सकते हो, और जल्दी बता दो मुझे साथियों क्या लिख सकते हो फ्रेंडशिप के अलावा, पार्टनरशिप, यार क्या तुम भी पार्टनरशिप नहीं लिख सकते हो, अरे यार इनसे ही बताना पड़ेगा, मेंटरशिप भी हो सकता है, पार्टनरशिप भी हो सकता है, ऑनरशिप भी हो सकता है, और बताओ एंटरप्रेन्योरशिप भी हो सकता है, और कुछ जानना है शिप वाला भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आज तो थर्ड नंबर हमारा कह रहा है टी आई ओ एन, जिसके अंत में क्या होना चाहिए टी आई ओ एन लगा हो, अब बताओ इसका दो एग्जाम्पल दो फटाफट, टी आई ओ एन लगा एग्जाम्पल दे दो, टी आई ओ एन लगा फटाफट एग्जाम्पल दो साथी दो। देखो ट्यूशन पहला तो हो जाएगा टी यू टी आई ओ एन, ट्यूशन स्टेशन एस टी ए टी आई ओ एन, वैकेशन स्टेशन, ठीक है, नेशन ले सकते हो, रिलेशन मैग्नेशन, बहुत सारे वर्ड है साथ ही जोड़ते रहो सारे नाउन में जिसमें टी आई एन लगा होगा, ठीक है। अब अगर चौथा नंबर कह रहा है डी ओ एम, इसमें क्या लगा होना चाहिए डी ओ एम, अंत में क्या लगा होना चाहिए डी ओ एम लगा होगा, उन सब को भी साथियों हम किस कैटेगरी में रखते हैं डी ओ एम वाला को, जल्दी बता दो साथियों जल्दी बताओ, डी ओ एम जिसको लगता है उसको भी नाउन में ही रखते हैं, इसके एग्जाम्पल देख लो किंगडम, किंगडम फ्रीडम क्या हो जाएगा इसके बाद, फ्रीडम एफ आर डबल ई डी ओ एम, फ्रीडम सेल्डम किंगडम, और क्या हो सकता है, बहुत सारे डॉम वाला वर्ड होगा सब चुन लेना, ठीक है, बहुत सारा आप मिल जाएगा। चलो डॉम के बाद और कौन देखा आपका आ रहा है टी यू डी ई, एक आपका और वर्ड दिखाई दे रहा है आपको टी यू डी ई, के अंत में टी यू डी लगा हो वो भी क्या होता है आपका नाउन होता है, जैसे एटीट्यूड ए डबल टी आई टी ई, हम लोग कहते हैं ना टी यू एटीट्यूड टी ई, ठीक है, एटीट्यूड हम लोग कहते हैं ना, बच्चे आजकल बहुत एटीट्यूड में रहते हैं, कहते हैं ना कि हम एटीट्यूड आई हैव एटीट्यूड, बाबू समझ लो एटीट्यूड से कुछ नहीं होने वाला है, अभी आपके मौका है पढ़ाई कर लो फिर ये सारे चले जाएंगे ना, फिर पछताओगे आप, कहोगे यार मैं तो वो मौका को अपॉर्चुनिटी को खो ही दिया, ये देखो
एटीट्यूड, TUD जिसके अंत में लगा होगा वो भी नाउन होता है, जैसे एटीट्यूड। एटीट्यूड के अलावा क्या लिख सकते हो? मैग्नीट्यूड। क्या लिख सकते हो? मैग्नीट्यूड। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड वाला लैपटॉप कौन चलाया है? लैटिट्यूड आता है वो E5510, ठीक है, ये आता है लैटिट्यूड। बहुत सारे बहुत फेमस लैपटॉप था अपने जमाने में, लेकिन अभी नहीं है। देखो मेंट वाला में मैनेजमेंट एग्रीमेंट, जिसके अंत में ENT देख जाओ वो सारे नाउन होंगे। सिप वाला में देख लो फ्रेंडशिप पार्टनरशिप, ठीक है। PI वाला में देख लो स्टेशन वकेशन ट्यूशन नेशन, ठीक है, ये सारे हो जाएंगे। DOM वाला में किंगडम फ्रीडम, ये सारे हो जाएंगे। और TUD वाला में क्या हो जाएंगे? एटीट्यूड मैग्नीट्यूड। ये थे हमारे अभी तक कितने हो गए हम लोगों का? 5 हो गए। इसके बाद में भी लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, इसी रब कर दे रहा हूँ, ये थोड़ा टेक्निकल काम नहीं कर पा रहा है, नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही एक दो दिन में मैं भी सीख जाऊँगा। चलो कोई ना, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने से लिख दे रहा हूँ, समझने के प्रयास करना। ये नोट डाउन कर लिया था ना आपने? लोगों ने TUD तक कर लिया था, ठीक है। TUD के बाद हम लोग सीखेंगे, देखो TUD के बाद हम लोग सीखेंगे अंत में क्या हो, TURE हो, अंत में क्या हो, TURE हो, वो भी क्या होते हैं साथियों? नाउन होते हैं, जैसे नेचर NATURE, TURE, फ्यूचर FUTURE, फ्यूचर, कल्चर नेचर फ्यूचर सिग्नेचर, ठीक है, ये सारे जो वर्ड होते हैं वो भी नाउन के ही कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, समझ लेना आप सभी को, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लिखवाना पड़ रहा है, वो काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो नहीं आ रहा काम करवाने उससे। इसके अंत में TH लगा हो, क्या होना चाहिए? TH, जैसे TH वाले कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं जल्दी जल्दी बता दो मुझे साथियों, TH वाला बताओ फटाफट। अरे यार ग्रोथ, ग्रोथ, और बताओ जल्दी साथी, जल्दी बता दो ग्रोथ के अलावा, ग्रोथ कराओ बताओ। अरे यार माउथ लिख लो ना, यहाँ पे माउथ भी नाउन ही होते हैं, साउथ भी लिख लो ना, ये तो प्रॉपर देश का नाम है, इसे मैं लिख लूँ यहाँ पे, और भी सारे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो कि आप नोट डाउन करते रहना, ठीक है। चलो इसके बाद आ जाते हैं जिसके अंत में क्या होना चाहिए, ईयर होगा, जिस जिस वर्ड के अंत में ईयर होगा वो भी नाउन होगा, जैसे जैसे बता दो साथियों फटाफट, टीचर, अरे इसके अंत में ईयर है ना, टीचर, सेंटर, CENTER, सेंटर, टीचर, सेंटर, मेंटर, मेंटर में वो आ जाता, ठीक है, बहुत सारा वर्ड होता है जिसके अंत में ईयर हो, ठीक है, क्योंकि सारे चीज़ बताने की कोशिश करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएंगे। अब इसके अंत में OR होता है, क्या होता है? जिसके अंत में OR होता है वो भी क्या होता है? हमारे नाउन, जैसे डॉक्टर, ठीक है, OR, ये OR वाला भी जो भी वर्ड दिखते हैं वो भी सारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं, जिसके अंत में ER होता है। अब एक एक एग्जाम्पल लो, जल्दी जल्दी करते चलो, जिसके अंत में ER होता है, जैसे अल्टर, अल्टर, जिसके अंत में क्या होता है? नेस होता है, NEEE, जिसके अंत में नेस होता है वो भी क्या होता है? नाउन ही होता है, जैसे काइंडनेस, काइंडनेस, इलनेस, ठीक है, काइंडनेस, इलनेस, ठीक है। अब देखो इसके अलावा कुछ 5-6 और है जो कि मैं स्लाइड यहाँ से चेंज करने की कोशिश करवा रहा हूँ, ठीक है, देखता हूँ वो लग जाए तो, ठीक है। हाँ अब देखो जिसके अंत में AR हो गया, NEEE हो गया, ठीक है, ये सारे हो गए। तो आप देखो यहाँ पे कुछ और सम बचे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ सम, ठीक है, कुछ और बच गए हैं जो हम बता दे रहा हूँ आपको। इस तरह से आप नाउन को पहचान लोगे, ठीक है साथियों, कि ये कहोगे तो मतलब इसलिए बता दिया ताकि आप जब नेक्स्ट क्लास में मैं नाउन पढ़ाऊँ ना आपको, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए नाउन को लेकर, इसलिए मैं इसको बताया, ठीक है, नाउन में फिर आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो जिसके अंत में TY हो, जिसके अंत में क्या हो? TY हो, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, होनेस्टी, ऑनेस्टी को टच कर सकते हो, नहीं टच कर सकते, इसलिए ये सारे रूल है, मैंने पहले बार बताया था, इससे भी टच कर सकते हो वो सारे नाउन है, उसके अलावा जो बच जाते हैं इस रूल पे काम करते हैं, जिसके अलावा जो बच जाते हैं ना, ये जो सामने रूल लिखा हुआ है इस रूल पे काम करते हैं, ठीक है, तो इसलिए इस रूल को लिखवा रहा हूँ, बातों को समझ, ऑनेस्टी, ये TY वाला हो गया। अंत में RY लगा हो, क्या लगा हो? RY, वो भी क्या? नाउन होते, जैसे मैंने बताया था ब्रेवरी, क्या बताया था? ब्रेवरी, देखो यहाँ पे RY लगा हुआ है। जैसे एक और वर्ड ले लो, क्या ले सकते हो? CE, अंत में CE लगा हो, वो भी नाउन थे, एडवाइस, एडवाइस को टच नहीं कर सकते हो। तो इसी तरह एक और वर्ड ले लो, GE, अंत में GE लगा हो, जैसे नॉलेज, लास्ट में बताया था ना आपको साथियों, जिससे मैं टच नहीं कर सकते थे, इन कैटेगरी में इसे सबको रख सकते हो, जैसे TY, CY,
जी सारे चिन्ह क्या होते हैं, सबके सब नाउन के ही पार्ट होते हैं। पहला कंसेप्ट बताया आपको वर्ड के एंडिंग के अनुसार, और एक और चीज बताया था आपको वर्ड के अलावा बताया था जिसे टच कर सकते हो सारे नाउन थे। साथियों मुझे बताना कमेंट करके कि सीखे हो तो दोस्तों के साथ अपने भाई को भी सिखाओ, ताकि वो देखो नहीं इस बताने के पीछे एक पर्पस था। थोड़ी सी बात समझना फिर क्लास को एंड करेंगे। जब आप नाउन चैप्टर खोलोगे तो वहाँ पे व्यक्ति का नाम नहीं मिलेगा। जब क्वेश्चन बनाओगे ना थोड़ा लेवल ऊंचा करके, तो ये लेवल यहाँ पे हो ना थोड़ा यहाँ पे लेके जाओगे ना, जब क्वेश्चन बनाओगे तो वही यहाँ पे ऐसे नहीं देंगे, नॉलेज दे देंगे। नॉलेज नॉलेज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन चेंज एनीथिंग। मतलब नॉलेज कितना बहुत अच्छा चीज़ है जिससे आप बहुत सारे कुछ चेंज कर सकते हो। यहाँ पर नॉलेज आप जानते ही हो क्या व्यक्ति का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी स्थान का नाम है, किसी जगह का नाम है, बता सकते हो किसी व्यक्ति के नाम है, किसी स्थान के नाम है। नॉलेज एडवाइस किसी व्यक्ति के नाम है, किसी स्थान का नाम है, किसी जानवर का नाम है, नहीं। तो इस सब ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जिन्हें आपको समझना पड़ेगा। तो टच कर सकते हो, मैंने आपको रूल बताया था टच कर सकते हो, कैसे आप टच कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो इन सारे चीज़ों को बताने का पर्पस एक ही था कि आप नाउन से एक विजुअलाइजेशन तरीके से मतलब समझ पाओ। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो था, क्योंकि नाउन से बताने से पहले मुझे बताना था कि ताकि आप समझ जाओ कि नाउन में इन सब के भी यूजेज हमें आना चाहिए, क्योंकि इन सब को हम अगर नहीं पढ़ते हैं ना तो बहुत सारा दिक्कत होंगे हमारे साथ। तो बस अपने इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी कुछ सीख पाएं। और बस यही था हमारा आज के लिए। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ PDF चाहिए ना तो टेलीग्राम में जाकर के ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे जाना, सर्च मारना PVR स्टडी, वहाँ पे आ जाएगा। जो लोगो दिखाई दे रहा होगा जिस चैनल पे देखो लोगो वैसा ही लगा होगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना ताकि आपको PDF मिल जाए, और इस पर काम बहुत सारे हो रहे हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही था। और क्लास 9th और क्लास 10th और 12th के लिए इंग्लिश के जो बुक होते हैं बता देना किस किस बोर्ड से हो आप, UP से हो, बिहार से हो, कहाँ से हो। जिसके जितनी ज़्यादा जनसंख्या आएंगी मतलब जिसकी ज़्यादा वोटें होगी उनसे उनकी पहले सिलेबस स्टार्ट कर दी जाएंगे इंग्लिश में। तो बस ये थी हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। तो आज के लिए लेते हैं बस विदा। तो बस वीडियो को शेयर कर देना, यही बातें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।